भैया जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने ये सोचा हम अपनी पुत्री का विवाह करें और विवाह उसी के साथ में करें जो धनुष को तोड़े। ये बात सोचने के बाद में पत्र में खत में यही लिखा और सीता जी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी और पत्र में खत में एक ही बात लिखी, जिस महावीर की महाशक्ति अधनुआ को तोड़ गिराएगी बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाह महावीर की महाशक्ति धनुआ को तोड़ गिरा मेरी बेटी वीर की बात खत में और पत्र मैं एक ही बात लिखी, जिस महावीर की शक्ति धनुष को तोड़ेगी उसी के साथ में हमारी बेटी सीता का विवाह होगा। जो भगवान भोले बाबा को धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तोड़ने के लिए और सीता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए और इधर विश्वामित्र को भी एक खत लिखा। खत में लिखा बड़े बड़े बहादुर रिश्ता जोड़ने के लिए सीता के साथ में और वो धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं। और इधर जब विश्वामित्र को खत मिला है आजमगढ़ में तो पाती ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के द्वार विश्वामित्र ने सुना आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था आश्रम और आजमगढ़ में कुंवर की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विश्वामित्र ने सुना कि सीता का स्वयंवर है तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले कुमार शुक्ला कुमार शुक्ला द्वादशी गुरु के कर देखा क्या देखा थोड़ा आगे बढ़ के देखा पशु पक्षी नजर में आते सावन की छटा भयानक है वहां पशु नहीं दिखलाते साथियों। अब कुंवर की शुक्ल पक्ष एकादशी को द्वादशी को एक ऐसे जंगल में पहुंचे भगवान श्री राम पुरुषोत्तम और शेषावतारी लक्ष्मण जिसमें पशु पक्षी नहीं नजर आ रहे थे केवल निर्जन वन था। उस वन में एक स्त्री पत्थर की पड़ी हुई थी देखा तो विश्वामित्र ने राम
तो विश्वामित्र ने राम से कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र ने जब देखा कि बहुत सुंदर है तो इंद्र ने इनके साथ में छल किया। इंद्र ने देखा कि अहिल्या तो बहुत सुंदर है तो इंद्र ने सोचा अहिल्या के साथ में हम छल करें। तो इंद्र इधर उधर भटकने लगा और इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच कर बोला, देखो मेरा एक काम करो, सुना कि तुम मुर्गा बन जाना, कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुमको तमको बहकाना, और कुछ कहा तुम रात समय जाना। हाँ, इंद्र ने चंद्रमा से तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम ऋषि को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम इसको बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना। इंद्र ने कही, चंद्रमा तुम ऐसा करो, मुर्गा बनने के बाद में जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाएंगे, हम अहिल्या के साथ में छल कर लेंगे। चंद्रमा जो हतो रात में मुर्गा बनो है और बनने के बाद में आवाज लगाई, गौतम ऋषि तो चले गए। जो गंगा में स्नान किया तो गंगा मैया बोली, तुम्हें स्नान कर रहे हो, तुम्हारे घर में वो छल हो रहा है। समझाया विश्वामित्र ने, देखो लाला। उसी समय आकर के विश्वास वो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को अश्राप दे दिया, ये भाई पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो गुरु विश्वामित्र के कहने पे अब ये अहिल्या का उद्धार करते हैं, जो इंद्र के साथ में कलंकित थी। और उद्धार करने के बाद में ये कुंवर की पूर्णमासी को कहां पहुंचे, चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में ताई। चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग। चले हैं रघुराई चले हैं रघुराई
पहुँचे फूल बाग में जाई चले पहुँचे फूल बाग में जाई चले Yeah.